हेलो दोस्तों, द केवट परिवार में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार शर्मा, आपका हिस्ट्री का फैकल्टी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा था कि 2018 की जो यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा चल रही है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ में पिछले सेशन में जीएस पेपर वन के हिस्ट्री से संबंधित एनालिसिस किया था कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में कौन कौन से खंडों से प्रश्न पूछने की संभावना है। आज के इस सेशन में मैं एक प्रश्न का एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा उसकी आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है और हम लोगों को उसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और लगातार नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को आप दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर निरंतर नए हर विषय के से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहे। तो बच्चों, जो आज का हमारा जो प्रश्न हम लोग जो देखने वाले हैं, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी आंसर आइटम आपको बताने वाला हूँ, वो प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व हमें उस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है और उस प्रश्न में कितने कीवर्ड दिए गए हैं, जिन कीवर्ड के आधार पर हम लोगों को अपना आंसर लिखना है। तो जैसे कि ये जो प्रश्न है, ये जो वाक्य है, इसमें एक पहला कीवर्ड है 1857 का विद्रोह, दूसरा कीवर्ड है भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़, और इसके पीछे टेल में ये जो शब्द लिखा हुआ है विश्लेषण, इसका अर्थ है हमें इस सेंटेंस, इस वाक्य का विश्लेषण करना है, हमें इसका एनालिसिस करना है। तो बच्चों, ये जो हमारा पहला कीवर्ड है, पहले इसको समझते हैं, उसके उपरांत इसको समझते हैं, तो जिससे कि हम लोग अपनी आंसर राइटिंग को एक अच्छे प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था। तो 1857 का ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह को हम लोग मध्य बिंदु यानी कि मिडिल बिंदु लेके चले। इसका अर्थ है कि भारत में अंग्रेजों ने साम्राज्य स्थापना के क्रम में जिन नीतियों का वो पालन कर रहे थे, अचानक ही 1857 के विद्रोह से उन लोगों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि 1857 के विद्रोह से अचानक ही उन अंग्रेजों को अपनी नीतियों में यूटर्न लेना पड़ा या परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि अंग्रेजों ने जो भारत के साम्राज्य की स्थापना के लिए जिन नीतियों का पालन वो कर रहे थे, 1857 के विद्रोह से, 1857 के विद्रोह से अचानक ही उनमें मोड़ आ गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी नीतियां थी और उन नीतियों में क्या मोड़ आया। तो बच्चों, सबसे पहले जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को हम देखते हैं राजनीतिक नीति में परिवर्तन, यानी कि सबसे पहला जो परिवर्तन था वो ये था कि 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत में कंपनी का शासन, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत में कंपनी के शासन के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह अब भारत में क्राउन का शासन स्थापित हो गया, क्राउन का शासन स्थापित हो गया, और अब भारत का गवर्नर जनरल वायस राय कहलाए, वायस राय कहा जाने लगा, और वायस राय की सहायता के लिए लंदन में एक
भारत सचिव की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। यानी कि 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत में कंपनी का शासन चल रहा था, उस शासन को समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर सीधा सीधा ब्रिटेन के शासक यानी कि क्राउन का शासन आरंभ हो गया और उनका जो प्रतिनिधि था भारत में वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय की सहायता के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई। ये एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, यानी कि ये भी एक मोड़ था भारतीय इतिहास में कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सीधा सीधा भारत का जो शासन है क्राउन के अधीन आ गया। दूसरे अगर राजनीतिक परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे मोड़ की, तो ये था इससे पूर्व जो नीति चल रही थी 1813 से 1857 तक, वो था साम्राज्यवादी नीति के तहत। साम्राज्यवादी नीति के तहत भारतीय शासकों को अधीनस्थ बनाने का, भारतीय शासकों को अधीनस्थ बनाने की नीति, अर्थात साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेज गवर्नर हेस्टिंग्स, डलहौजी आदि ने क्या किया, आदि ने भारतीय क्षेत्रों को अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया। 1857 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजी सरकार ने अचानक की अपनी नीति में परिवर्तन किया और भारतीय शासकों के साथ सहयोगी की नीति अपनाना आरंभ कर दिया। अर्थात अब उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में विलय नहीं करेंगे और आपके साथ सहयोग किया जाएगा। यानी कि ये भी एक प्रकार का भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था। अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार का क्रम था 1857 से रुक गया। अर्थात ऐसा नहीं है कि पहले 1857 बाद नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए तो वो उस नीति को छोड़ दिया गया और भारतीय शासकों के साथ सहयोग की नीति आरंभ कर दी गई। ये अंग्रेजों की राजनीति नीति में परिवर्तन था, राजनीति में एक प्रकार का नया मोड़ देखने को मिलता है। दूसरा, भारत में साम्राज्य स्थापना के लिए जो अंग्रेजों ने प्रशासनिक नीति को यानी कि प्रशासनिक नीतियों का पालन किया था, यानी प्रशासनिक तंत्र का पालन किया था, उस तंत्र में भी उन्होंने परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। अर्थात अब उन्होंने सिविल सेवा और न्यायिक सेवा में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना आरंभ कर दिया। अर्थात 1861 के अधिनियम के तहत सिविल सेवा में असंहिताबद्ध सेवा में भारतीयों की नियुक्ति आरंभ कर दी। अर्थात 1857 से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा यह प्रयास किया जाता था कि सिविल सेवा में हमेशा यूरोपियों की ही नियुक्ति की जाए और किसी भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, लेकिन 1857 के विद्रोह से उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और प्रशासनिक क्षेत्र में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना आरंभ कर दिया। तो यानी कि प्रशासनिक नीति में परिवर्तन भी एक प्रकार का भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। अब हम लोग अगर इसके आगे की चर्चा करेंगे तो जैसे कि और जो नीतियां थी जैसे अर्थात सामाजिक नीति में परिवर्तन, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, तीसरा यानी कि तीसरा मान लीजिए इसको, कि अब अंग्रेजों ने यानी कि 1857 की क्रांति से पूर्व या विद्रोह से पूर्व कुछ अंग्रेज गवर्नर थे जैसे विलियम बेंटिंक, उन्होंने क्या किया, भारत में सामाजिक क्षेत्र में कुछ सुधार, सती प्रथा, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में
सुधार के लिए कुछ कानूनों को लागू किया, दाज प्रथा की समाप्ति, शिशु वध हत्या। तो 1857 की क्रांति के बाद कुछ अंग्रेज शासकों को लिया, कुछ अंग्रेज सरकार को लगा कि 1857 की क्रांति इसलिए भी हुई थी, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। तो अंग्रेजों ने 1857 के बाद इसमें एक मोड़ लाए कि अब हम भारत के समाज में कोई सुधार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, कालांतर में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के लिए समाज सुधार में इन्होंने अपना हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। साथ ही साथ अब अंग्रेजों को यह हिदायत दी गई कि आप लोग भारतीयों के साथ जो मिलजुल गए थे, अब मिलनसार बंद कर दीजिए। तो यह भी एक प्रकार का मोड़ माना जाता है कि सामाजिक नीति में अंग्रेजों ने परिवर्तन कर दिया। अगर हम चौथे की बात करेंगे तो सैन्य व्यवस्था, यानी कि सैन्य नीति में परिवर्तन। सैन्य नीति में परिवर्तन आप कैसे देखते हैं कि जिस सैन्य शक्ति के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य स्थापना किया था, उसमें परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया कि पहले जो यूरोपीय भारतीय का अनुपात था, अब अंग्रेजों ने कहा कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भागीदारी सैनिकों की दिखाई दी, तो उन्होंने कहा क्या इन सैनिकों का अनुपात बदल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल की सेना में 1857 के बाद जो रेशियो रखा वो 1:2 का रखा, यानी कि दो भारतीय एक अंग्रेज, और मद्रास और बंबई की सेना का जो अनुपात था वो 2:5 रखा, यानी कि 5 भारतीय के ऊपर 2 यूरोपीय सैनिक। यानी कि ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा बदलाव था संतुलित स्थापित करने के लिए सेना में, जिससे कि विद्रोह ना हो सके। दूसरा, 1857 से पूर्व अंग्रेजों ने जो सैन्य व्यवस्था तो स्थापित की थी, उसमें रेजिमेंटों का गठन किया था। इन रेजिमेंटों में क्या किया था, एक ही जाति के लोग होते थे। अब अंग्रेजों ने उसमें परिवर्तन किया, एक रेजिमेंट में अब मिश्रित जातियों के सैनिकों की नियुक्ति की जाने लगी। यानी कि ये भी एक प्रकार का भारतीय इतिहास में मोड़ माना जाएगा उनकी सैन्य व्यवस्था में। तीसरा, इस सैन्य नीति में परिवर्तन के तहत अब उन्होंने गोला बारूद जैसे प्रमुख पदों पर यूरोपियों को ही नियुक्त करना आरंभ कर दिया, अर्थात भारतीय सैनिकों को इन के निरीक्षण या प्रधान के नेतृत्व के रूप में भारतीयों को अब नियुक्त करना बंद कर दिया, और इनके पदों पर यूरोपीय लोगों को ही आरंभ कर दिया। अब हम सैन्य नीति के बाद हम देखते हैं कि पांचवा जो अन्य नीति था वो है आपका अंग्रेजों ने देखा कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई देती है, अब उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है एकता के साथ साथ 1857 की क्रांति में मुस्लिम नेतृत्व तो जो प्रदान किया गया था, तो भारत अंग्रेजों को लगा कि इसका अर्थ है 1857 के बाद उन्होंने मुस्लिमों को शक की निगाह से देखना आरंभ कर दिया। यानी कि अब उन्होंने कहा कि इस मुस्लिम जाति पे विश्वास नहीं किया जाएगा, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति आरंभ कर दी। यानी कि 1857 की क्रांति के उपरांत उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन लाया और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव की नीति आरंभ कर दी, और कोशिश की कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में एकता नहीं स्थापित कर सके, इसलिए मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया। वहीं कुछ हिंदुओं को ऊंचे पद पर आने के लिए प्रेरित किया गया। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि जितने बिंदु मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, जितने बिंदु मैंने आपसे डिस्कस किए हैं,
इन सभी बिंदुओं के आधार पर आप अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। इसका उत्तर इन्हीं बिंदुओं में शामिल है और प्रेजेंटेशन के रूप में आप इन इन बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। इसमें और भी बिंदु आ सकते हैं, लेकिन लेकिन ये सफिशियंट है। और क्योंकि हमें उत्तर लिखना है 200 शब्दों में, तो कोशिश करना इन बिंदुओं को हेडिंग के रूप में प्रयोग करते हुए, कुछ कुछ सेंटेंस को इसमें प्रयोग करके अपने कम शब्दों में, 200 शब्दों में आप अपने उत्तर को पूरी तरीके से लिख सकें। बच्चों, ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, इसके आगे अन्य सेशन में मैं अन्य आधुनिक भारत के प्रश्नों की चर्चा करूंगा और आपको उन सभी प्रश्नों की आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।